तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा क्रेप जैस्मिन का प्लांट है। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ भी कर रहा है। कुछ समय पहले ही हमने लगाया था और ये काफ़ी बुशी हो चुका है और इस पर बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो भी आप अपने प्लांट पे इसको अपनाएंगे तो आपके भी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ काफ़ी बड़ी होगी। दोस्तों क्रेप जैस्मिन का प्लांट वैसे तो बारिश के सीज़न में उगाना चाहिए, लेकिन अगर सही तरह से आप केयर करें तो साल भर ये फूल इस पर फूल आएंगे। देख सकते हैं कुछ कलियाँ भी निकल रही हैं इसमें। दोस्तों आपको क्रेप जैस्मिन के प्लांट को कंटिन्यू 2 या 3 महीने में इसको छटाई करनी चाहिए। आप इसको जितना भी इसको ट्रिमिंग करेंगे इतनी इसकी नई नई कलियाँ और नए नए फूल आएंगे, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और दोस्तों आपको इसको सनलाइट वाले एरिया में ज़्यादा रखना है, जिससे कि इसकी पत्तियों का कलर भी डार्क होगा और उसमें फूल ज़्यादा आएंगे। और दोस्तों अगर खाद की बात करें तो आप इसको नेचुरल गोबर की खाद डाल सकते हैं और इसकी मिट्टी की कंटिन्यू आप गुड़ाई करते रहें। जितनी इसकी गुड़ाई करेंगे उतना जो फर्टिलाइज़र आप डालेंगे गोबर की खाद उसको जड़ों तक मिल सकता है। और आप इसको छोटे से गमले में ना डालें, इसको अगर आप ज़मीन में उगाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा होगा, छोटे से गमले में उगाएंगे तो इसकी जो जड़ें वो सिकुड़ जाएगी और काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे अपना कि आप अपने जो क्रेप जैस्मिन का प्लांट अपने लगाया है उसको काफ़ी घना कर सकते हो और इसको पानी ज़रूरत के हिसाब से दें, ओवर वाटरिंग नहीं करें, नहीं तो इसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे।